पंक्ति अपनी प्रस्तुत करती हूँ नन्हे बाल मन के लिए। तो ये मेरी पंक्ति है, दोस्ती की मिठास। दोस्ती होती है कुछ खास, दोस्ती होती है कुछ खास, कभी जलेबी जैसी मिठास तो कभी नींबू जैसी खटास, कभी जलेबी जैसी मिठास तो कभी नींबू जैसी खटास। जो भी हो पर दोस्त होने चाहिए पास, वो लड़ना झगड़ना वो बचपन सुहाना, वो बारिश की रिमझिम वो भीगा फसाना। जाके ले आओ वो बचपन की यादें, सखियों से अनबन और फिर से मनाना। अब मेरे शब्दों को सुनिएगा कि कभी जिंदगी जब लगती थी फीकी, कभी जिंदगी जब लगती थी फीकी, रबर सी मुलायम शार्पनर सी तीखी। कभी जिंदगी जब लगती थी फीकी, रबर सी मुलायम शार्पनर सी तीखी, दोस्ती का बाम जख्मों पर लगाकर, ऑल इज वेल की परिभाषा इन्हीं से तो सीखी। आजकल की दोस्ती कहाँ काम आती है, उनकी दोस्ती तो बस जरूरत कहलाती है। उनके लिए दोस्ती का मतलब है होमवर्क कराना, सेक्शन बदलते ही दोस्ती बदल जाती है। आपको भी मिले होंगे दोस्त कुछ हसीन, जेबी होंगी खाली पर दिल रंगीन। आपको भी मिले होंगे दोस्त कुछ हसीन, जेबें होंगी खाली पर दिल रंगीन। ना परीक्षा की फिक्र ना जेब खर्च का डर, समझते थे सब खुद को आइंस्टीन। अब सब लगे हैं जीवन को सुलझाने में, अब हम बच्चों से थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब हम सब लगे हैं जीवन को सुलझाने में। कभी उलझते कभी सुलझते, कोई लगा है अपनी डोर बचाने में, पर सभी खुश हैं अपने आशियाने में। वो पुरानी बेफिक्री लौट कर नहीं आएगी, बस यादों के झुरमुट से झांकती रह जाएगी। तो बस यही पल दो पल है जी लो यारो, जिंदगी तो बेवफा है पुराना समय नहीं लाएगी। क्योंकि दोस्ती होती है कुछ खास, कभी जलेबी जैसी मिठास तो कभी नींबू जैसी खटास, पर जो भी हो दोस्त होने चाहिए मेरे सबके पास। तो आप सभी को विश्व मैत्री दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।